सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज मानोगढ़ रियासी में कन्या जूनियर हाई स्कूल में माननीय विधायक गुलचंद रंजन द्वारा बच्चों को शूटर वितरित किए गए और बीएसए राजेश कुमार शाही ने शिक्षकों को टिप्स दिए। शिक्षक संघ के नेता निप्रेंद्र सिंह ने विधायक को पेंशन बहाल का ज्ञापन सौंपा। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज, कैमरामैन के साथ डॉक्टर विजय सिंह कुशवाहा। यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं आप हमारे सामने बैठे, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, सत्यता भी यही है। बाकी विगत वर्षों में क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा ये हम लोग नहीं जानते। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस साल जुलाई से हम लोगों ने देखा है, तमाम जगह विद्यालयों में हम लोग गए, देश वितरण में भी गए, कुछ कर गया तो आपका नाम होगा। नहीं देखिए, सारे लोग रिटायर होते हैं, रमाकांत अक्षरेकर का मैंने उदाहरण दिया, उसके सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि उसने एक शिष्य को आगे बढ़ाया। ये व्यवस्था किसी तरह के दंड के लिए नहीं है, ये व्यवस्था इसलिए है कि जो लोग जो भी भाई बंधु आपके किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं वो पढ़ाने आएंगे, इसलिए कि ये जान जाएंगे कि इस सरकार ने उनके ऊपर भी निगरानी रखी। जो रेगुलर आ रहा है, जो हमारा टीचर रेगुलर पढ़ा रहा है, उसको क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है। मैं रोज 9 बजे 9:15 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ, हम नहीं पढ़ते। अभी ये टीचर 15 दिन से नहीं आ रहा है। अभी एक कदौरा का स्कूल है बरसाई, वहाँ से मेरे पास फोन आया कि साहब हम 250 बच्चों को लेके आ रहे हैं, वहाँ एक ही टीचर आते हैं, 3 टीचर हैं, 2 टीचर नहीं आते। हम कह रहे हैं आपको आने की जरूरत नहीं है, कल हमारा NPRC या BU जाएगा, निरीक्षण करेगा, आप 2-3 दिन वेट करें, हमारा शिक्षक पढ़ाएगा। हमने आपसे क्या कहा, शिक्षक की गरिमा इसमें है कि उसके बच्चे कैसे। शिक्षक अपनी समस्याएं तो ठीक है, सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना सामाजिक दायित्व भी देखना है कि वो क्या है। एक शिक्षक का दायित्व है कि उसके बच्चों का रिजल्ट क्या, शिक्षक इसी से पहचाना। श्री राजेश शाही जी हमारे बीच में विराजमान है, हमारे श्रीखंड शिक्षा अधिकारी एवं नगर पंचायत माधोगढ़ के नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं पिछले कई दिनों से देख रहे हैं शिक्षा विभाग में काफी उथल पुथल चल रही है, जिससे मीडिया में अथवा समाज में शिक्षा विभाग की जो छवि है वो गिर, ये दे रहा, अगर अपने शक्ति का 100% अपने विद्यालय में दे रहा है तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये उसका कर्तव्य है और उसे देना भी चाहिए। शिक्षक यहाँ पे ऑनलाइन ऐप के बारे में हम लोग चोर नहीं है, अपना कर्तव्य का निर्वहन हम लोग सही से कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है अपना शिक्षक, हम लोग शिक्षिकाएं माताएं बहनें सभी लोग विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं, इसके बावजूद